हेलो फ्रेंड्स, पवन सर इंग्लिश क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा प्रीपोजिशन। ये हमारी प्रीपोजिशन की बेटा चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने तीन क्लास कंप्लीट करा दी हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा हो तो आप लोग उन क्लासों को देख लें। तो देखते हैं, ये आपकी लास्ट क्लास है। तो देखें, प्रीपोजिशन में हमारा है बेटा टॉपिक है बी साइड और बी साइड्स। बी साइड की हिंदी बेटा पास में या निकट में, और बी साइड की हिंदी बेटा अतिरिक्त। तो सबसे पहले देखेंगे बी साइड का प्रयोग। बी साइड का प्रयोग है बेटा पास या निकट की वस्तुओं के लिए बी साइड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका, ही इज सिटिंग बी साइड मी। ही मान वह इज सिटिंग बैठा हुआ है, बी साइड माने पास में, मी माने मेरी, वह मेरे पास में बैठा हुआ है। तो पास के लिए क्या प्रीपोजिशन लगा दे बेटा, बी साइड। अगली प्रीपोजिशन देखते हैं बेटा बी साइड्स। बी साइड्स का प्रयोग, इसकी हिंदी बेटा अतिरिक्त। यदि किसी वाक्य में अतिरिक्त शब्द का अभाव प्रकट हो तो अतिरिक्त शब्द की अंग्रेजी बी साइड्स का प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे एग्जांपल, बी साइड्स ए पेन, महेश बॉट ए बुक। बी साइड्स के अतिरिक्त, ए पेन एक पेन के अतिरिक्त, महेश ने बॉट माने खरीदी, ए बुक एक किताब। महेश ने एक पेन के अतिरिक्त एक किताब भी खरीदी। तो अतिरिक्त शब्द की अंग्रेजी क्या क्या लगा दी बेटा, बी साइड्स। आगे देखेंगे ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का प्रयोग, किसी चीज को बंद करने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखो, स्विच ऑफ द लैंप, लैंप को बंद कर दो। तो हमने प्रीपोजिशन लगा दिया बेटा ऑफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।